बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और मेरे वीडियोस को भी शेयर किया करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक ये है कि हम सूरह फातिहा को पढ़कर दौलत कैसे हासिल कर सकते हैं। सूरह फातिहा एक ऐसा अमल है जिससे दौलत आपके कदमों में होगी और आप अपनी दौलत को संभाले नहीं समझेंगे। ऐसी दौलत जो आप चाहते हैं कि इस महंगाई के दौर में आप जो हैं बहुत ज़्यादा अमीर तरीन हो जाएं, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान वजीफ़ा लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। ये वजीफ़ा इन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा अमीर तरीन बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो जल्द अमीर तरीन बने, गाड़ी बंगला सब कुछ हमको मिल जाए और नौकर चाकर हमारे पीछे हो, हमारे पास इतनी दौलत हो कि रखने की जगह ना मिले। तो इन लोगों के लिए ये वजीफ़ा करना चाहिए कि इनको क्योंकि इस वजीफ़ा के करने से दौलत ऐसे आती है कि इंसान को वहमो गुमान भी नहीं होता कि ये इतनी दौलत कहाँ से आ रही है, इतनी दौलत कैसे इकट्ठी हो रही है। तो दौलत इकट्ठी करने का जो वजीफ़ा वो ये है कि सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ना है और इसको रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद पढ़ना है। और इसको पढ़ने का तरीका ये है कि जब आप सूरत पढ़ रहे हैं और इस आयत में इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन पर पहुँचे तो इस आयत का 7 बार तकरार करें और इसी तरह सूरत को 7 बार मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह चंद दिन में आप खुद देखेंगे कि आप कितने अमीर तरीन बन गए हैं और दौलत इतनी होगी कि आपको इसका गुमान भी नहीं होगा। ये एक मुजरिब और आजमूदा अमल है, इसको ज़रूर आजमाएं। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप बहुत जल्द अमीर तरीन हो जाएंगे। और नमाज की पाबंदी करें, नमाज का वर्द आप अपने साथ रखें तो कोई शक नहीं कि दौलत आपके कदमों में ना हो। और इतनी महंगाई के दौर में दौलतमंद होना बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ 7 बार सूरह फातिहा पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान कर देते हैं और 7 बार पढ़ने से दौलत आपके कदमों में होगी। तो आपको कहीं पर भी जाने की, कोई आमिर पीर फकीर किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आप कुरान शरीफ की इस आयत को पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपके दिन बदल जाएंगे, बंगला पैसा गाड़ी सब कुछ आपके हाथ में होगा और आप खुद इस बात को नोट करेंगे कि एक सूरत और इतना फ़ायदा। तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ऐसी सूरतें रखी हैं जिसका पढ़ने से आपको दीन में भी फ़ायदा है और दुनिया में भी फ़ायदा है। तो नाज़रीन, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को भी शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी पसंदीदा वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।